आवारापन मूवी में एक डायलॉग है, जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। और इस कहानी का इमरान हाशमी मैं हूं। हेलो जी, मैं अभी बीर में हूँ और ये मेरा सेकंड डे है कि मैं घर से बाहर हूँ। कल रात को ना यहाँ पहुँचने में और यहाँ पे होटल रूम लेने तक की एक बहुत बड़ी कहानी है। आप लोगों ने ये तो देखा होगा लास्ट के हम लोग जीबी में फंस गए थे बर्फ में, वहाँ तक देखा ना, उसके आगे कुछ भी नहीं देखा। उसके आगे मैं आपको बताऊँगा क्या हुआ। बीर आते आते हम लोगों को उस रात में काफ़ी टाइम हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 11-12 बज गए थे। और वो पहुंचने के बाद जो हमारी खज्जल खवारी हुई है ना, मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोगों को पहले तो ये अच्छा हो गया कि हम लोगों ने ऑनलाइन होटल्स बुक नहीं कराए, क्योंकि सारे फुल थे। ऑनलाइन जितने भी होटल दिख रहे थे ना, सब मतलब दिखा रहे थे कि रूम वैकेंट है। बट जब भी हम जैसे हम लोग ऑफलाइन पहुँच के बात कर रहे थे उनसे, तो कोई भी वहाँ पर अकोमोडेशन हमें दे नहीं रहा था। तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोगों ने रात में इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा दरवाजे हमारे मुंह पे कभी बंद हुए नहीं हैं जितने उस रात में हुए। फिर हम लोगों को एक ही कमरे में चार लोग हम लोगों सोए थे। फिर उस रात को हम लोगों ने अपनी जैसे तैसे रात काटी। तो अभी हमारे साथ जो लड़के आए थे उन तीनों का प्लान बन गया पैराग्लाइडिंग का, एंड आई एनफोर्स देम के हाँ करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मैंने तो लास्ट ईयर ही की थी, इसलिए आई एम नॉट डूइंग दिस। और पैराग्लाइडिंग के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं जो आप लोगों को बतानी है। बहुत ज़्यादा एक्चुअली चीज़ें चेंज हो गई हैं, पूरा सीन उलट पुलट हो गया। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले लड़के आ जाएं, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर हम लोगों ने जाना है ऊपर। ऊपर जाके आप लोगों को सीन बताऊंगा कि क्या है, क्योंकि ये लोग तो चले जाएंगे, उड़ जाएंगे, फिर उसके बाद मेरे को नीचे आना है। तब तक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है। तीन बंदे हैं ये लोग, नए पैराग्लाइडर जा रहे हैं, नए मतलब जो करवा रहे हैं वो तो एक्सपीरियंस है, बट ये मैं कर चुका हूँ अभी पिछले साल। नहीं, मैंने 1500 में की थी, मेरे 3000 में हो नहीं पाएगी मेरे से। बॉयज तैयार हो? मनाली में कर चुका हूँ, बट नहीं, हम लोगों ने मनाली, तीन लोग जाएंगे अभी लोग। इसके पेट में भाई, इसके पेट में गुड़गुड़ हो रही है अभी भी। मैंने कहा ब्रेकफास्ट कर ले, मैंने तो खा लिया थोड़ा बहुत, मैंने कहा ब्रेकफास्ट कर ले, कहता नहीं नहीं बाद में करना। बच्चे करे हैं सारे लोग, ये क्या कहते हैं पैराग्लाइडिंग, सारे लोग सेफली नीचे लैंडेड है। कैसा एक्सपीरियंस? बढ़िया था ना? मैंने कहा था वंस इन अ लाइफ टाइम में, जो नहीं कर रहा था जिसको हमने धक्के से भेजा उसको भी मजा आया, सब बढ़िया। शुभम की लैंडिंग अच्छी नहीं हुई पहले कहते। हेलो जी, अभी सीन ऐसा है कि हम लोग, पता नहीं यार ये ट्रिप कैसे गए, मतलब कल हम लोग कल जीबी के लिए गए थे। हमने सोचा था जलोरी पास का पूरा बढ़िया वो देखेंगे, सनसेट वगैरह। फिर वो सनसेट निकल गया चलो हाथ से, वहाँ पे बर्फ़ बहुत थी, फंसे हुए थे। फिर हमने सोचा चलो वापस आ जाते हैं, बीर आ जाते हैं। बंदों ने पैराग्लाइडिंग नहीं की थी, सोचा था यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करवा के। फिर यहाँ पे ना एक राजगुंदा ट्रैक है, तो वो ट्रैक लास्ट टाइम भी मेरा अधूरा रह गया था, तो मैंने सोचा इस बार मैं पूरा कर लूँगा। तो अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से आप ट्रैक नहीं कर सकते, अब यहाँ से कहते हैं बरौड़ जाओ, बरौड़ से 2-3 किलोमीटर का ट्रैक है वो करो, अब यहाँ से बरौड़ 50 किलोमीटर है। कुछ भी जो प्लान किया है वो हो ही नहीं पा रहा है यार, पता नहीं कैसे की बनाते हैं। रियल अनप्लान ट्रिप। कल कैसे हो जाएगा? सुबह सुबह, आज रात को तो घर जाना है। नहीं, आज रात को घर जाना है। एक सबसे पता क्या होगी, ये कहता मैंने पैराग्लाइडिंग नहीं करनी। ये शुभम कहता है अगर तू पैराग्लाइडिंग नहीं करेगा तो हम ट्रैकिंग नहीं करेंगे। इसको पैराग्लाइडिंग करवा दी, अब कहते रात को घर चलो। नहीं, अब ट्रैकिंग भी नहीं करनी। करेंगे देखने, अगली वीडियो होगी ट्रैकिंग दी। सो फाइनली अगर कुछ इस ट्रिप में अच्छा हुआ है ना, तो वो हुआ है ये वाला सनसेट। आखिरकार एक चीज अच्छी होगी बस, वही सनसेट। हेलो जी, मेरा नाम चिराग है और अभी तीसरा दिन है बीर में। दो दिन से हम लोग बीर में ही हैं, मतलब आज दूसरा दिन है हमें बीर में। और कल हम लोग रुक गए थे यहाँ पे, हमारे एक रिलेटिव हम लोगों को मिल गए थे, मतलब हमारे नेबर के रिलेटिव हैं, तो वो रेफरेंस से हम लोगों को यहाँ पे वो मिल गए थे। फिर हम लोग यहाँ पे रुक गए थे। लाइफ में लिटरली फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जहाँ जहाँ पे जाने के लिए सोचा ना, वहाँ जा नहीं पा रहे। अभी भी राजगुंदा ट्रैक जाने के लिए सोच रहे हैं, बट जहाँ पे हम लोगों ने फ़ोन करके पता किया है, वो कह रहे हैं वहाँ स्नो बहुत है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप वहाँ पे जा पाओ।
बाकी देखते हैं अभी बरौड़ तक तो जाएंगे ही, यहाँ से बिलिंग से जो राजगुंदा वाला ट्रक जाता है वो तो बंद है, बरौड़ तक तो जाना है। ये जो सारा सीन है ना, ये राजगुंदा से पहले है 5 किलोमीटर, अभी राजगुंदा नहीं एक्चुअली बड़ा गांव से पहले, अब बड़ा गांव से आगे फिर राजगुंदा है 2-3 किलोमीटर, तो उससे पहले ही यहाँ पे काफ़ी बर्फबारी वाला सीन है, बारिश होनी शुरू हो गई है, होपफुली जब थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड और राइज करेंगे एक होपफुली, बाकी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच बट मे बी अ स्मॉल मे बी के स्नोफॉल दिखे। गाड़ी खड़ा दी है हम लोगों ने, अब नाउ इट्स टाइम टू गो टू राजगुंदा, गाड़ी से आगे जाएगी नहीं, थोड़ी पास में हमें सेफ जगह मिली थी तो हमने वहाँ पे उसको खड़ा दिया है, अब उसके आगे वी आर गोइंग ऑन फुट, इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल ट्रैक, तो देखते हैं। आगे स्नो है काफ़ी, अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 फुट की स्नो है, और अभी बारिश बंद हो गई, तो गुड न्यूज़ इज़ कि अभी बारिश बंद हो गई है, लेट्स सी हाउ इट गोज। हम लोगों ने अभी ना यहाँ पे जहाँ पे हम लोग अभी पॉइंट पे हैं, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 4.3 किलोमीटर हैं यहाँ से राजगुंदा, वो जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं ना उस साइड, वहाँ पे कहीं राजगुंदा है, तो हम लोगों को वो पूरा पीछे से ट्रेल घूम के जाना है, तो नाउ वी आर डिसाइडिंग कि हम लोगों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। द डिस्टेंस गूगल इज टेलिंग इज 4.3 to 4.5 किलोमीटर, दैट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर्स अगर ये सीधा सीधा ट्रेल भी रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसका फैसला अब हमारी किस्मत करेगी। जय माता दी। हेड्स की हाँ है, टेल की ना है। हाँ। इधर ही आई साइड। नहीं रुक जा, ऐसे ही ठीक है। हेड्स की हाँ है, टेल की ना है। चलो भाई, तीन मौके मिलते हैं। तीन मौके। मैंने तो मौका मिला नहीं। ये न्यूट्रल है। वो ये न्यूट्रल है। मैंने न्यूट्रल क्यों? मैंने तो पहले तुम लोगों को बोला। लाइफ की पहली स्नोफॉल। वो भी हम लोग जाने लगे थे। ये देखो यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई। हम लोग जाने लगे थे यहाँ से और स्नोफॉल शुरू हो गई। रील बनाओ यार। Hey, oh God, this is crazy.